और वर्ष 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। यह युद्ध दुनिया के इतिहास में इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय सैनिकों की वीरता की बदौलत ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। और इसी युद्ध में विजय की याद में आज डींडवाना के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय सैनिकों का सम्मान किया गया है। साथ ही शहीद जवानों की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया है। हम जो 1971 के वार के याद में उपलक्ष में जो विजय दिवस मना रहे हैं, हम सबसे पहले हमारे जो उन सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस युद्ध के अंदर जो दुनिया का आई थिंक वर्ल्ड का एक अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें हमारे सैनिकों ने लगभग 3900 सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर किए और 9851 सैनिक उसमें घायल हुए, तो हम उनकी याद में आज इसको मनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा उन सभी को नमन है, साथ में हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो देश का भक्ति का जो जज्बा है ये हमारे अंदर कायम रहना चाहिए। हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य देश की सुरक्षा और देश सेवा होनी चाहिए। आपको पता है कि आज हम शहीद जो हमारे हुए हैं 1971 का जो एक विश्व का अप्रतिम युद्ध था, एक ऐतिहासिक विजय थी जिसका विश्व में अभी भी नाम है कि पहले जैसे अभी हमने बताया था कि जो सरेंडर हुए 93,000 दुश्मन के सैनिक वो आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। और उस युद्ध में हमारे जो डींडवाना के सैनिक, डींडवाना कुचामन जिले के सैनिक कहीं भी पीछे नहीं रहे। आपको पता है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ी और उनके वीरता की का प्रदर्शन करते हुए हमारे डींडवाना से 27 सैनिक शहीद हुए थे। अब देख रहे हैं सबके सामने इस युद्ध स्मारक में हमने सबके वस्त्र लगाए हुए हैं, उनकी वीरता के लिए उनका जो पुरस्कार मिला उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है। इसी प्रकार उस युद्ध के दौरान जो बड़े पदक हैं, शौर्य पदक, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब प्रकार के सम्मान से उनको नवाजा गया।